जी स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास के सब्जेक्ट साइंस के पार्ट वन, हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट फर्स्ट मीन्स ये आपको फर्स्ट वीडियो इसकी भेजी जा रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा पदार्थ क्या है। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, मीन्स जिनका अपना कुछ भार हो और जो स्थान घेरती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ। यह रेत का एक कण या फिर पानी की एक बूंद भी हो सकती है। अब हमें इसको समझने के लिए इस पदार्थ को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेनी पड़ेंगी। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन ने जगह कवर की है और साथ में इसका कुछ वजन है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? एक पदार्थ। आप चीनी लेते हो, चीनी आप देखोगे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूब बने होते हैं, ठीक है। जो चीनी का बेटा एक छोटा सा क्यूब होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसने भी जगह कवर की है और साथ ही साथ इसका कुछ अपना वजन है। अब जो हवा है, हवा का भी अपना वजन होता है और वो भी जगह कवर करती है। कैसे? एक खाली बोतल लेके आपने क्या करना है? उसको वजन करना है, उसका कुछ ना कुछ वजन निकलेगा। अगर आप एक बीकर लेते हो, ठीक है, एक बीकर लिया, उस बीकर में इस खाली बोतल को उल्टा करके, बिल्कुल सीधा करके नीचे की तरफ इसको पानी भरने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे इसमें पानी नहीं भरा जाता। मान लीजिए ये वाटर, ये पानी की बोतल का कैप है, ये पानी की बोतल है, मैंने इसे टब में बिल्कुल सीधा ऐसे करके डिप करना है, तो देखोगे आप इसमें पानी नहीं भरा जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं भरा जाएगा? क्योंकि बोतल में पहले से ही हवा भरी हुई थी, तो पानी के जाने की उसमें जगह ही नहीं बची। अब आपने इस बोतल को धीरे धीरे ऐसे करके बेंड करना है। जब आप बेंड करोगे तो आप देखोगे इसमें पानी के बुलबुले बाहर की तरफ निकलते हैं। जैसे इसको मैंने बेंड किया, पानी के बुलबुले बाहर की तरफ निकलेंगे और पानी बोतल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। अब जो बुलबुले हैं वो क्या है? हवा ही है ना, तो वो हवा जो है जब बाहर निकलेगी तभी उस बोतल में पानी भरेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हवा होती है वो भी एक पदार्थ है, क्योंकि वो भी जगह कवर करती है और उसका भी अपना भार होता है। अब हमारे पास आगे गुण। पदार्थ कणों से मिलके बनता है, कि छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पानी भर दिया, पानी भरने के बाद आपने ऐसे उस पे एक क्या लगा दिया? मार्क लगा दिया कि मेरा पानी यहाँ तक था। अब इसमें मैंने क्या डालनी शुरू कर दी? चीनी। आप इसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल के उसको मिला देना। मिलाने के बाद देखोगे आप पानी का लेवल जो है वो हल्का सा भर जाएगा। क्यों भरेगा? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने चीनी डाली और वो चीनी इसमें क्या हो गई? जाके मिक्स हो गई। चीनी कैसे इसमें घुल जाएगी? क्योंकि पानी के कणों में खाली जगह होती है। पानी जो है एक तरल पदार्थ है, इसके कणों में खाली जगह होगी, जिस कारण ये जो चीनी है इसमें घुल जाएगी। चीनी जल में घुल जाती है, घुलने के बाद जल का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे चाय, ठीक है। आप देखोगे बेटा आप चाय बनाते हो, आपको मम्मा बोलती हैं कि 1 कप चाय बना के लाओ, तो आप 1 ही कप पानी थोड़ा डाल दोगे, उसमें 1/2 कप पानी डालते हो, उसमें चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, इलायची डालते हो और फिर 1/2 कप इसमें क्या डाल देते हो? दूध डाल देते हो। जब आप इन सबको मिलाते हो तो आपकी चाय जो है 1 कप तैयार हो जाती है। अब ये सारा कुछ उस पानी में घुल गया। क्यों घुल गया? क्योंकि उसके पानी के कणों में खाली जगह थी जो इन सभी पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है, जैसे चाय में चीनी और चाय पत्ती आदि। इस कारण पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे? मैंने एक बीकर लिया, उसमें नीली या फिर लाल स्याही डालोगे,
आप देखोगे अगर स्याही की एक बूंद भी पानी में गिर जाए ना, तो वो जल्दी से पूरे पानी को, जैसे लाल स्याही मेरी पानी में गिर गई तो वो पूरे के पूरे पानी को लाल कर देती है। दूसरी तरफ मैंने शहद डाला, शहद की एक पतली सी लेयर बनती हुई वो उसके सतह पर बैठ जाएगा। ठीक है, जब हम इस पानी को घोलेंगे, या फिर इसमें आपको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें अगर हम इसे घोलेंगे या फिर इसको गर्म करेंगे तो इसके जो कण है गति करेंगे। देखिए अब जो स्याही के कण थे वो लगातार गति में रहे, शहद के कण भी लगातार गति में रहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो शहद घुल जाता पानी में। लेकिन इसके कण जो होते धीरे धीरे गति करते हैं, इसके कण जो है जल्दी जल्दी गति करते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण देखिए, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने लाल स्याही डाली, बस पूरा का पूरा बीकर लाल हो गया। इसमें से मैंने थोड़ा सा वाटर लेके दूसरे बीकर में डाल लिया तो वो भी सारा लाल हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा पानी लिया तो नेक्स्ट बीकर में डाला तो वो भी रेड हो गया। इसमें से थोड़ा सा वाटर लेके नेक्स्ट बीकर में डालूंगी तो वो भी रेड हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कण है इसके स्याही के वो लगातार गति कर रहे हैं, कि इसको मैंने चाहे 5-6 बीकरों में डाल दिया लेकिन ये कण लगातार जो है गति कर रहे हैं। पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इनके कणों की गति भी लगातार बढ़ती जाती है। देखिए अगर मैंने चीनी पानी में घोलनी हो, ठंडे पानी में घोलूंगी तो वो जल्दी नहीं घुलेगी। अगर मैं पानी को थोड़ा गर्म करके उसमें चीनी घोलने की कोशिश करती हूँ तो वो जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ गया पानी का। अगर पानी गर्म होगा तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, तो इसमें जो कणों की गति है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये जल में घुल जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके कणों में खाली जगह होती है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने पानी भर लिया। अब इस पानी को मैं चाकू की सहायता से ऐसे या फिर फिंगर की सहायता से ऐसे इसको कट करने की कोशिश करूंगी। आप क्या देखोगे इसके बाद? आप देखोगे कि आपका फिंगर की सहायता से ऐसे कट करने के बावजूद भी ये जो पानी की सतह है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। क्यों? इससे हम कह सकते हैं कि पानी के बीच में एक बल लगता है जो कि इसे अपनी तरफ खींच के रखता है। ये बल ठोस में ज्यादा होगा, तरल में मध्यम होगा और गैस में ना के बराबर होता है। देखिए जो ठोस होता है उनके जो पार्टिकल्स के, जो उनके पदार्थ के पार्टिकल्स मीन्स कण होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, इनमें एक ज्यादा आकर्षित बल लगता है। जैसे ये पेन नहीं है बेटा, इस पेन को मैंने काटना हो चाकू से तो मेरे को फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके इसमें जो पार्टिकल्स है उनकी अपने आप में पकड़ शक्ति जो है ज़्यादा। जैसे इस पार्टिकल ने इसको कस के मजबूती से पकड़ा, इसने इसको, इनके बीच बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है। नेक्स्ट, अगर लिक्विड हो, लिक्विड में आप देखोगे पार्टिकल्स होते तो जरूर है लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, जगह होती है। इसलिए अगर हम पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं जैसे चीनी, दूध, स्याही, तो ये घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के कणों के बीच में जगह होती है, इसलिए इनमें बल तो लगेगा लेकिन कम अवस्था में लगेगा। अब जो गैस होती है, गैस में बिल्कुल भी एक दूसरे के आकर्षित नहीं होता, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच रहा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बल जो है गैस में नहीं लगता। अब आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क आपने करके मेरे नंबर पर सेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पदार्थ क्या है इसके गुण बताएं। नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कैसे। ठोस का निश्चित डैश तथा डैश होता है आकार और आयतन। पदार्थ छोटे छोटे डैश से मिलके बना होता है कणों से। क्या चीनी का एक दाना पदार्थ है? हाँ, क्योंकि चीनी का एक दाना जो है वो जगह घेरता है और उसका भी कुछ अपना भार होता है। ओके,